अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में जी आपको बताऊंगा कि अगर आप पोल्ट्री का कारोबार करना चाहते हैं तो वो कौन कौन सी जरूरी बातें हैं जो कि आपको लाजमी पता होनी चाहिए। आप जिस भी मकसद के लिए पोल्ट्री का कारोबार करना चाहते हैं, चाहे आप मुर्गियों से अंडे लेना चाहते हैं या आप गोश्त के मकसद के लिए मुर्गियाँ पालना चाहते हैं या अंडों से चूजे निकलवाने का कारोबार करना चाहते हैं, आपका जो भी मकसद हो, अगर आप आपको इन तमाम बातों का पता होगा जो कि मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आप अपने मकसद को कामयाबी के साथ हासिल कर सकते हैं और अपने नफा में भी जो है वो खातर ख्वाह इजाफा कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि आपने अपनी मुर्गियों को बेहतरीन और मुतवाजन खुराक देनी है, ताज़ा साफ सुथरा पानी पीने के लिए देना है, मुर्गियों को किसी भी किस्म के डर से बचाना है, चाहे वो डर इंसानों का हो या किसी भी किस्म के शिकारियों मसलन बिल्ली कुत्ता चूहे कवे वगैरह का हो। आपने कभी भी मुर्गियों को डर का शिकार नहीं होने देना, क्योंकि अगर मुर्गियां हर वक्त डर में रहेंगी तो आपके पोल्ट्री का मकसद कभी भी पूरा नहीं होगा, वो चाहे फिर आप अंडे लेना चाह रहे हो या वजन हासिल करना चाह रहे हो। आपने मुर्गियों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाना है, इस मकसद के लिए आपने टाइम पे मुर्गियों की वैक्सीन लाजमी करवानी है ताकि मुर्गियां बीमारियों से बची रहें। आपने मुर्गियों को बेहतरीन किस्म का बिस्तर फराहम करना है जो कि साफ सुथरा खुश्क और जरासीमों से पाक हो, क्योंकि 80% जो है बीमारियां बिस्तर के गंदा गीला और गर्द गुबार के ज्यादा होने की वजह से होती हैं। इसलिए आपने बिस्तर पे किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करना, बिस्तर को जो है उसकी बाकायदा से जरासीम कुशी करते रहना है। इस मकसद के लिए आप जो है वो जरासीम कुशी करने के लिए डिटोल या विरकोन एस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने जी मुर्गियों को तनाव से आजाद माहौल फराहम करना है, जहां पर किसी किस्म का शोर ना हो, चाहे वो शोर इंसानों का हो या ट्रैफिक का हो या मुख्तलिफ किस्म के कारखानों का हो। अगर मुर्गियां इस तरह के माहौल में रहेंगी तो मुर्गियां तनाव दबाव स्ट्रेस का शिकार रहेंगी, जिससे ना तो अंडों की पैदावार अच्छी होगी और ना ही मुर्गियों का वजन अच्छा आएगा, और इस तरह मुर्गियां सिर्फ और सिर्फ जो है वो खुराक का ज़िया करती रहेंगी और आपके लिए माशी नुकसान का बाइस बनेंगी। आप मुर्गियों को जो भी खुराक देते हैं, बाज़ औक़ात इस खुराक में मौजूद गजाइत कम हो जाती है किसी भी वजह से, तो इस गजाइत को पूरा करने के लिए हमें मुर्गियों को अलहदा से खुद से वाइटामिन्स और मिनरल्स देने पड़ते हैं, खुराक में शामिल करके या पानी में शामिल करके। मुर्गियाँ कुछ वाइटामिन्स खुद से भी अपने जिस्म में तैयार करती हैं। वीडियोस में मैं आपको 5 मुख्तलिफ विटामिन्स के बारे में बताऊंगा जो कि मुर्गियों को अलग से लाजमी देने पड़ते हैं और जो कि मुर्गियों के लिए इंतहाई जरूरी होते हैं। वीडियो में आपको विटामिन्स और मिनरल्स में फर्क भी बताऊंगा। अगर दोनों में से किसी किस्म की या किसी एक या दोनों की जिस्म में कमी हो जाए तो इससे कारकर्दगी पे क्या फर्क पड़ता है और किस तरह से इनकी कमी को पूरा किया जा सकता है, इन तमाम बातों का जवाब जो है वो इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बात करते हैं जी विटामिन्स और मिनरल्स में बहुत ही जो है वो मामूली सा फर्क होता है। विटामिन्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि पौधों और जानवरों से हासिल किए जाते हैं, जबकि मिनरल्स जो होते हैं वो पानी से जमीन से और मिट्टी से हासिल किए जाते हैं। मुर्गियों के जिस्म में सिर्फ एक ही किस्म का विटामिन पैदा होता है जो कि मुर्गियां खुद से बना सकती हैं, लेकिन फिर भी हमें इसे अलहदा से खुराक में शामिल करके या पानी में शामिल करके देना पड़ता है, और वो विटामिन है जी विटामिन सी। ये मुर्गियां खुद से भी तैयार कर सकती हैं लेकिन फिर भी अलग से हमें देना पड़ता है, क्योंकि इसका जो क्यों देना पड़ता है इसका जवाब वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं जी, सबसे पहले बात करते हैं कौन से पांच विटामिन्स हैं जो कि हमें मुर्गियों को लाजमी देने पड़ते हैं। इन विटामिन्स में पहले नंबर पे है जी विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो इम्यूनिटी यानी कि कुव्वत मुदाफत को बढ़ाने में मदद करता है, नए खुलिये बनाने में मदद करता है। विटामिन ए मुर्गियों की आंखों की सेहत जो है यानी कि जो देखने की सलाहियत होती है उसको वो बहुत बेहतरीन किस्म का रखता है। मुर्गियों की मोल्टिंग यानी कि जब मुर्गियां पर गिरा रही हों और नए पर निकाल रही हों तो परों की अच्छी ग्रोथ में मदद करता है। ये मुर्गियों के गले को गीला रखने का काम भी करता है। अगर मुर्गियों में विटामिन ए की कमी होना शुरू हो जाए तो मुर्गियों की स्किन खुश्क होना शुरू हो जाएगी, आंखों में और गले में नाक में सोजिश होना शुरू हो जाएगी, मुंह के अंदर दाने बनना शुरू हो जाएंगे, कलगी की रंगत जो है वो तब्दील हो जाएगी, अंडों की पैदावार भी मुतासिर होगी, अंडे कम हासिल होंगे आपको, जिस्मानी नशोनुमा भी ठीक तरह से नहीं होगी और अंडों के अंदर थोड़ा सा जो है वो खून का एक स्पॉट सा बनना शुरू हो जाएगा। ये तमाम मसले इस बात की निशानदाही करते हैं कि मुर्गियों में विटामिन ए की कमी हो गई है। तो इन तमाम मसलों से बचने के लिए आपने जी विटामिन ए लाजमी इस्तेमाल करवाना है जो कि वेटनरी स्टोर से आसानी से दस्तयाब हो जाता है और वो आप विटामिन ए पूरा करने के लिए एडिक
के नाम से एक प्रोडक्ट दस्तयाब होती है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज जो है वो आपके साथ शेयर करता चलूं, इसकी डोज जो है वो एक लीटर पानी में आपने 2 cc एडिक शामिल करके 8 घंटों के लिए लगातार 4 दिनों तक मुर्गियों को इस्तेमाल करवाना है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं जी विटामिन सी की। विटामिन सी मुर्गियों को स्ट्रेस से निकालने में मदद करता है, वो स्ट्रेस चाहे दर्जा हरारत का हो यानी कि हीट स्ट्रेस, या फिर मुख्तलिफ शिकारियों का स्ट्रेस हो। मुर्गियां जब भी पेंटिंग कर रही हों यानी कि मुंह खोल के सांस ले रही हों तो इसका मतलब यही होता है कि मुर्गी खाना का दर्जा हरारत जो है वो मुर्गियों की बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है और दर्जा हरारत जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है मुर्गी खाना का। इसलिए दर्जा हरारत पर खास तवज्जो दें। इसको कम करने के लिए आपने पानी का छिड़काव वक्फे वक्फे से करना है, और पानी का छिड़काव आपने इस इतना ज्यादा भी नहीं करना कि जो है वो बिस्तर जो है वो गीला होना शुरू हो जाए। इस मकसद के लिए आप जो है वो स्प्रे पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुर्गियों को हीट स्ट्रेस से निकालने के लिए विटामिन सी का इस्तेमाल करवाना है। विटामिन सी मुर्गियां अपने जिस्म में भी तैयार करती हैं। विटामिन सी हमें अलहदा से जो है वो तब देना पड़ता है जब मुर्गियां किसी किस्म के स्ट्रेस का शिकार रहें, सर्दियां ज्यादा हों या गर्मी ज्यादा पड़ रही हो, तो इस सूरत में हमें अलहदा से विटामिन सी मुर्गियों को फ्राहम करना पड़ता है। इसकी डोज जो है वो 30 मिलीग्राम फी किलो जिस्मानी वजन के हिसाब से रखेंगे। लगातार 4 दिनों तक इस्तेमाल करवाने से मुर्गियों में विटामिन सी की कमी को पूरा किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं जी विटामिन D3 की, जो कि मुर्गियों के लिए बहुत जरूरी होता है। विटामिन D3 कैल्शियम और फास्फोरस को जिस्म में अब्सॉर्ब करने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप विटामिन D3 जो है वो मुर्गियों को ना दें और सिर्फ कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो इस्तेमाल करवाते रहें अंडों के छिलकों को मजबूत करने के लिए या कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए, तो उसका कुछ भी फायदा नहीं होता, क्योंकि विटामिन D3 की गैर मौजूदगी की सूरत में जो कैल्शियम होता है वो बीठों की सूरत में जिस्म से बाहर निकलता रहता है। इसलिए विटामिन D3 जो है बहुत जरूरी होता है कैल्शियम को जिस्म में हजम करने के लिए। कैल्शियम जो विटामिन D3 होता है वो हड्डियों को मजबूत करता है। जो मुर्गियां लंगड़ेपन का शिकार हो जाती हैं या जो लंगड़ा के चलती हैं उसका शिकार नहीं होती विटामिन D3 की वजह से। विटामिन D3 आप जो है वो सूरज की रोशनी से भी मुर्गियों को फ्राहम करवा सकते हैं। मुर्गियां सूरज की रोशनी से विटामिन D3 जो है वो हासिल करती हैं, इसलिए मुर्गियों को बाहर खुली जगह पे सूरज की रोशनी में कुछ देर के लिए आप लाजमी छोड़ा करें। और जो है वो अगर आप कोई सिरप वगैरह इस्तेमाल करना चाहें तो विटामिन D3 के लिए आप इंटिक डी के नाम से सस्पेंशन जो किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से दस्तयाब होती है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसकी डोज जो है वो आप 2 cc 1 लीटर पानी के हिसाब से लगातार 5 दिन इस्तेमाल करवाएंगे, तो इस तरीके से विटामिन D3 की जो है वो जिस्म में कमी जो है पूरी हो जाती है। तो चौथे नंबर पे बात करते हैं जी विटामिन ई की। विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, इम्यून बूस्टर के तौर पे भी काम करता है, सेल्स की अच्छी ग्रोथ में मदद करता है, जिस्मानी नशोनुमा को बढ़ाता है, अंडों में फर्टिलिटी के तनासब को बढ़ाता है। जब अंडों से चूजों का जो है वो अच्छा तनासब हासिल ना हो रहा हो, अनफर्टाइल अंडे ज्यादा निकल रहे हों, तो इसका मतलब होता है कि जी मुर्गियों में विटामिन ई की कमी हो गई है। विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए आप इवियन कैप्सूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ई की कमी की वजह से मुर्गियों की गर्दन जो है वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती है। दिमागी कमजोरी भी विटामिन ई की कमी की वजह से होती है। मुर्गियों को झटके लगना शुरू हो जाते हैं, टांगें खुल जाती हैं यानी कि मुर्गियों की टांगें दोनों तरफ में बाहर निकल जाती हैं और मुर्गियां ठीक तरह से चल नहीं सकती, खुराक पानी नहीं खा पाती, और इस वजह से वो जो मुर्गियां हैं वो अमवात का शिकार होना शुरू हो जाती हैं। विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए आप इम्यूनोटोन प्लस के नाम से जो एक प्रोडक्ट मिलती है किसी भी वेटनरी स्टोर से आप आसानी से ले सकते हैं, वो भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इम्यूनोटोन प्लस के अंदर जी विटामिन ई, विटामिन सी और उसके साथ सेलेनियम शामिल होता है, और जो कि कम कीमत में आपको आसानी से दस्तयाब होती है। इसकी डोज जो है वो आपने 1 मिलीलीटर इम्यूनोटोन प्लस को जो है वो 10 लीटर पानी में शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करके लगातार 5 दिन मुर्गियों को इस्तेमाल करवाना है, और इससे जो है वो विटामिन ई की कमी पूरी हो जाएगी। पांचवें और आखिरी विटामिन की बात करते हैं, वो है जी विटामिन के। विटामिन के का ताल्लुक जो है वो खून के साथ होता है। अगर मुर्गियों के जिस्म के किसी हिस्से पे जख्म हो जाए और खून बहना शुरू हो जाए तो विटामिन के जो है वो वहां पे जाके खून को जमाने में मदद करता है और मजीद खून बहने से रोकता है। कॉक्सी के मसले में यानी कि जब मुर्गियों को खूनी पेचिस जैसे मर्ज का सामना करना पड़ रहा हो, बीठों में खून आ रहा हो, तो इस सिलसिले में भी आप विटामिन के का जो इस्तेमाल है वो अच्छे नतीजे देता है। विटामिन के को पूरा करने के लिए आप एडिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एडिक के इस्तेमाल से विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के की कमी पूरी हो जाती है। यानी इस अकेले एक प्रोडक्ट के इस्तेमाल से ही 4 तरह के विटामिन जो है वो इनकी कमी को पूरा किया जा सकता है। इसकी डोज जो है वो 1 मिलीलीटर पानी में
जो है वो 1 मिलीलीटर जो है वो एडिक वो 2 लीटर पानी में शामिल करके लगातार 5 दिनों तक मुर्गियों को पीने के लिए देंगे। अगर आप ये तमाम वाइटामिन तैयारशुदा पैकिंग में इस्तेमाल ना करवाना चाहें और घरेलू पैमाने पे आप वाइटामिन की कमी को पूरा करना चाहें, तो इस मकसद के लिए वाइटामिन ए को पूरा करने के लिए आप मुर्गियों को गाजर, कद्दू, गर्मे के छिलके, पुदीना और धनिया इस्तेमाल करवा के जो है वो वाइटामिन ए की कमी को पूरा कर सकते हैं। वाइटामिन सी के लिए आप लेमू का रस जो है वो पानी में शामिल करके दे सकते हैं। वाइटामिन डी के लिए अंडों के छिलकों को ग्राइंड करके खुराक में शामिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिश ऑयल जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं खुराक में शामिल करके। अंडे की जर्दी को खुराक में शामिल करके देने से भी वाइटामिन जो है वो डी की कमी पूरी हो जाती है। वाइटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के गजाई जनाज इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सूरजमुखी के बीज हो गए, लोबिया हो गया, मुख्तलिफ किस्म की दालें आप दे सकते हैं वाइटामिन ई के लिए। वाइटामिन के को पूरा करने के लिए सब्ज पत्तों वाली जितनी भी सब्जियां हैं वो इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्योंकि सब्ज पत्तों वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं उनमें वाइटामिन के की जो है वो वाफर मकदार हो जाती जो है वो पाई जाती है, जैसा कि पालक हो गया, गोभी हो गई, इसके अलावा जो हो गया मेथी हो गई, इन तमाम सब्जियों में जो पत्तों वाली सब्ज सब्जियां होती हैं इनमें वाइटामिन के जो है वो बहुत अच्छी मकदार में पाया जाता है। तो आज की वीडियो थी ये जी वाइटामिन्स के हवाले से, जो कि मुर्गियों के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, प्रोडक्शन के लिए। तो उम्मीद है जी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप मुर्गबानी के पेशे से मुंसलिक हैं और आपको किसी किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस टॉपिक पर भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।